नमस्कार दोस्तों, मैं इस बैलेंस और आप देख रहे हैं हमारा यूपी लाइव 100 न्यूज। यूपी लाइव 100 न्यूज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। देश भर के हर छोटी बड़ी खबरों के साथ बने रहिए सिर्फ यूपी लाइव 100 न्यूज पर। चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। नव दुर्गा पूजा को मद्देनजर रखते हुए शंकरपुर मोहरबा में शांति व्यवस्था की बैठक सकुशल सम्पन्न। नानपारा मोहरबा दुर्गा पूजा प्रतिमा विसर्जन को मद्देनजर रखते हुए क्षेत्राधिकारी अरुण चंद नानपारा के नेतृत्व में SHO नवाबगंज SHO नानपारा की उपस्थिति में आज की शांति व्यवस्था की बैठक सकुशल सम्पन्न कराई गई। आज की बैठक में मुख्य रूप से शराब और मदिरा मांस पर प्रतिबंध एवं आराज तत्वों पर नजर रखने के एवं किसी भी प्रकार की अशांति फैलाने वाले व्यक्तियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अशांति फैलाने वाले पर उनके खिलाफ न्यायोचित मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। यही नहीं बल्कि क्षेत्राधिकारी ननपारा ने सभी लोगों को यह आश्वासन दिया है शांति व्यवस्था से या दोनों थाने के बीच की आने वाली मूर्तियों को सकुशल विसर्जन कराया जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। यदि कोई प्रशासन से आंख मिचोली खेलने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बैठक में क्षेत्राधिकारी ननपारा ने यह भी बताया कि किसी प्रकार का अगर किसी ने प्रशासन से आगमिचोली खेली या किसी भी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न किया तो फिर उसके लिए ठीक नहीं होगा, प्रशासन उसके लिए सदैव तत्पर रहेगी। इस बैठक में क्षेत्र के प्रधान मोहरबा धर्मराज जायसवाल, प्रधान अमवा मौलवी शकील एवं भारी मात्रा में पत्रकार बंधु भी उपस्थित रहे एवं क्षेत्र के सभी गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। खबरें जनहित में जारी, रिपोर्ट इस्माइल अंसारी। सर मैं ये जानना था जो आपने पीस कमेटी की जो बैठक की थी इस विषय में आप क्या बताना चाहते हैं? हमारे गांव मोहरबा में हमारे शंकरपुर के और आसपास जो मल्लीपुर ये सब पूजा प्रतिमाओं का विसर्जन मोहरबा घाट में होता है, तो प्रशासन और दुर्गा पूजा आयोजन समितियों में अच्छा सामंजस्य उत्पन्न करने के लिए ताकि त्यौहार को सकुशल सम्पन्न कराया जा सके ये बैठक आयोजित की गई। और इससे दुर्गा पूजा आयोजन समिति के पदाधिकारीगण एवं क्षेत्र के सम्भ्रांत व्यक्तियों ने भाग लिया और सभी लोगों ने इस बात में सहमति व्यक्त की कि बहुत अच्छे से और बहुत ही अच्छे वातावरण में त्यौहार को सम्पादित कराया। देखिए तीन थाना क्षेत्रों से यहाँ पे प्रतिमाओं का विसर्जन होगा। एक तो नानपारा की थाना नानपारा के जो इधर हल्का नंबर 1 की 14 मूर्तियाँ हैं, इसके अलावा 9 मूर्तियाँ थाना नवाबगंज से और 4 मूर्तियाँ थाना मल्लीपुर जो पड़ोसी जनपद है वहाँ से। सर कुछ रास्ते के बारे में जो बात है विसर्जन घाट के संबंध में रास्ते में कुछ जो है टूट फूट है गड्ढे हैं तो उनको समय रहते ठीक करा देते हैं। खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए।